जय माँ तुलसी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, सुखी हो, इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में तुलसी देखना। स्वप्न में तुलसी का दिखना एक सकारात्मक स्वप्न, अच्छा स्वप्न, शुभ मंगलकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जीवन में चल रही समस्याएं, परेशानी, संकट दूर होने का संकेत है तथा साथ ही साथ धन संपदा में वृद्धि होने का भी संकेत माना जाता है। घर में मनमुटाव या कार्य में बार बार अड़चने आना इत्यादि का ये संकेत देती हैं कि जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। तुलसी अगर आपने देखा है तो किसी रोग के भी समाप्त होने का सूचक तथा भविष्य में सफलता मिलने का सूचक माना जाता है। तुलसी वैसे तो स्वप्न में बेहद ही शुभ माना जाता है, परंतु वहीं सूखी तुलसी अगर आप देखते हैं तो आप जरूर एक नया तुलसी का पौधा लगा दें। इसके साथ साथ स्वप्न में तुलसी देखते हैं तो आप प्रातः काल उठें तो भगवान श्रीहरि के लिए कोई भी भोग बना लें, सात्विक हो, शुद्ध हो, और उसमें तुलसी दल रख करके भगवान श्रीहरि को, विष्णु को, राम को, कृष्ण को, जो भी आपके प्रिय हों उनको भोग लगाइए। इससे आपको इसका सुफल जल्द मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार जिसके घर में तुलसी का पौधा वैसे होता है उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। यम के दूत भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो नरकगामी नहीं होता। जो तुलसी की पूजा नित्य करते हैं उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। एक दीपक जरूर जलाएं। वहीं रविवार, शुक्रवार और मंगलवार के दिन तथा नाखून से और पूर्णमासी, अमावस्या, संक्रांति तिथियों में तुलसी दल ना तोड़ें। शाम के समय अपवित्र अवस्था में जूते, चप्पल तथा नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। राम राम कहते हुए, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कहते हुए तुलसी दल उतारना चाहिए और तुलसी दल बासी नहीं होता। भगवान को अन्य सभी भोग एक तरफ और एक तरफ अकेली तुलसी ही, तो तुलसी का बड़ा ही धार्मिक महत्व है और इसलिए तुलसी का पौधा भी लगाएं अपने घर में। और वैसे स्वप्न में देखना बेहद ही शुभकारी माना जाता है। आगे की वीडियो में फिर से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।